अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी टाइम बाद आज मैं अपने जो चैनल पे है वो आई हूँ। अच्छा जी, बीच में मेरे चैनल पे थोड़े मसले मसाए चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, देखते हैं अल्लाह मालिक के कब तक वो सॉल्व होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। मैं आजकल डाइटिंग वगैरह की कर रही थी जो भी, क्योंकि चैनल पर तो काम कर नहीं रही थी, तो सोचा कि चलिए जी मैं अपने डाइटिंग पर काम कर लेती हूँ, अपने आप पर थोड़ी सी तवज्जो दे लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये एप्पल साइडर विनेगर मंगवाया है विद द मदर नेचर, यानी कि ये टोटल रो है, ऑर्गेनिक है। आप देख सकते हैं वेट लूज़ के लिए बेस्ट है, मुझे बहुत सूट किया। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना इस्तेमाल कर लिया है। और साथ में आपको जो मैं सेकंड चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ वो है नेस्कैफे गोल्ड, बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट। जो लोग कहते हैं हमसे चाय नहीं छोड़ी जाती, प्लीज़ वो ये सब कुछ कहना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप नेस्कैफे गोल्ड विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर लेना शुरू कर देंगे ना, तो चाय शाय ये सारी चीज़ें जो है ना इसके सामने बस वो कहते हैं ना कि कोई मायने नहीं रखेगी। तो ये दो चीज़ें, ये दो ऐसे ख़ास इंग्रेडिएंट है जो आपके वेट लूज में, आपकी डाइट में, आपको एनर्जेटिक रहने में और आपकी डाइट को मेंटेन। देखिए जब आप डाइट करते हो ना तो आपके अंदर सुस्ती, काहली और वो क्या कहते हैं उसको, हमारा बीपी लो होना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो कैफ़ीन है ना वो आपको एक तो एक्टिव रखेगी एक्सरसाइज करने में, वर्कआउट करने में, और उसके साथ साथ ये जो एप्पल साइडर ये जो विनेगर है, अगर आप ये डेली बेसिस पे सुबह एक कप में लेते हो नीम गर्म पानी में, एक इसका छोटा चाय का चम्मच आप डेली लोगे, अगर आप दिन में कभी थोड़ी सी चीट कर लेते हो शुगर ले रहे हो, अगर आप दिन में थोड़ी सी कैलोरीज टाइप ऑफ कार्ब्स टाइप ऑफ चीज़ ले रहे हो, तो वो आपके जिस्म में ऑब्जर्व नहीं होगी, यानी कि वो आपके पेट तक तो जाएगी लेकिन वो हल नहीं होगी। तो ये जो एप्पल साइडर विनेगर है इसके इतने इस्तेमाल आते हैं, इतने इसके फ़वाद हैं कि मैं शायद बता नहीं सकती। आपको एक्नी प्रॉब्लम है या आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम है तो आप यकीन करें कि आप थोड़े से पानी में आप ये ऐड करके आप अगर अपने हेयर के स्कैल्प पे लगाएंगे तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं, एक्नीज इससे रिमूव हो जाती है। एक्नीज जहाँ पे हैं आप थोड़ा सा रुई में डिप करके आप उस जगह पे लगाओ तो आपकी एक्नीज भी सेट हो जाती हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपके साथ जो नेक्स्ट चीज़ शेयर कर रही हूँ, देखें आपको पता है कि डाइट में आपने क्या नहीं लेना, आपने भूखा नहीं रहना, एटलीस्ट आपने ये दिमाग में रखी है कि आपने भूखा नहीं रहना है। सो प्लीज़ डाइटिंग को फास्टिंग में कन्वर्ट ना किया करें, डाइटिंग इज़ अ डाइटिंग। डाइटिंग का मतलब होता है कि आपने हेल्दी खाना है, मुतनासिफ खाना है, आपने पोषण कंट्रोल कर लेने, जहाँ पर आप डेढ़ प्लेट चावलों की खा रहे हैं वहाँ पर आप आधी प्लेट कर लो, जहाँ पर आप दो रोटियाँ खा रहे हो वहाँ पर आप एक रोटी कर लो, फिर एक के बाद आप आधी पर आ जाओगे। तो आपने ख़ुद को, वो कहते नहीं, ये तो हमारी सुन्नत रसूल भी है कि खाना तब खाओ जब आपको भूख लगी हो, और उतना खाओ कि आपकी भूख जो है वो पीछे बरकरार रहे। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अपने जहन में रखिया करें कि डाइटिंग का मतलब जो होता है वो फास्टिंग नहीं होता है। अच्छा जी, सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम खा लें लेकिन अच्छा खा लें। अच्छा जी, ये दो इन्ग्रीडियंट तो हो गया। आपने कॉफ़ी भी डेली बेसिस पर डाइटिंग में यूज़ नहीं करनी, एक दिन छोड़ के एक दिन आप सुबह के टाइम आप दो बॉयल अंडों के साथ एक कप वन मग ऑफ कॉफ़ी आप ले सकते हैं विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर, ठीक है। और आपने लेनी जो है वो नेस्कैफे गोल्ड की, ये जो है ये 950 रुपये का आपको मिल जाता है किसी भी मार्ट वगैरह से, और ये मैंने दराज से परचेज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये बिल्कुल ऑर्गेनिक मिला है, बिल्कुल सही मिला है। दराज वालों ने ये फर्स्ट ऐसी चीज़ें मुझे जो मैंने मंगवाया है ये ऑर्डर तो बिल्कुल सही है। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको शो करवाने जा रही हूँ, मैं साथ रहिएगा, वो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाऊँ जो आपकी डाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने वो कहाँ से ली, कैसे मिली और उसका जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मुझे फ़ायदा हुआ है या नहीं, और हमें डाइटिंग के दौरान जिम जाना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी के अभी बता देती हूँ। अच्छा जी, जो थर्ड चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है मेरी ये ट्रेडमिल मशीन जो मैंने शेरशाह मार्केट से परचेज़ की। आप देख सकती हैं कि ये इस तरह से अच्छा जी ये यूज़ में है आइटम, यानी कि आप जानते हैं कि शेरशाह में आपको किस तरह से मिलते हैं, इसके क्या क्या यूज़ हैं। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो मैं आपके इसके पूरे यूजेस वगैरह दिखाऊंगी। आप लेडीज़ वगैरह जो जिम नहीं जा सकती हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है जिम जाने में या इतना नहीं होता, तो आपको थोड़ी सी सेविंग वगैरह अपनी सेविंग आपने अपनी करके और थोड़ी सी ये लेनी होती है, तो आप यकीन करें कि अगर आप घर पे रह के आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते, देखिए हम इतना खर्च भी तो कर रहे होते हैं ना, ये थोड़ा सा ये चोचलेबाजियाँ नहीं होती हैं, ये बस थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो थोड़े से तो ये पूरे घर के ही काम आती है। मेरे हस्बैंड बड़े अच्छे से इसको टू टाइम ऑफ डे
यानी कि सुबह फर्स्ट टाइम और उसके बाद शाम में भी वो इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है कि इतना मौका ही नहीं मिलता रनिंग का। तो अगर आप डाइटिंग वगैरह कर रही हैं और अगर आप जिम नहीं जा सकती हैं और अगर आप जो है वो एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पाती हैं, तो ये ट्रेडमिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप इस पे रनिंग कीजिए, 2 दफ़ा कीजिए, 3 दफ़ा कीजिए, जितना आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। तो इसके बहुत इजी है, इसे प्लग इन कीजिए, स्टार्ट कीजिए यहाँ से। ये चाइल्ड लॉक की है, ये हटा देंगे तो ये मतलब बच्चे वगैरह घर में, तो इसको कोई भी बिला वजह में इस्तेमाल नहीं करेगा या कोई भी इस तरह से बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इसके अलावा आप इसमें अपने हिसाब से किलोमीटर्स वगैरह कर सकते हैं, इसमें म्यूज़िक सिस्टम भी होता है। ये मैंने 35,000 के लिए है शेरशाह मार्केट से। आप सब जानते हैं शेरशाह मार्केट में क्या कुछ नहीं मिलता है, तो ये हमें बहुत अच्छे प्राइस में मिल गई, माना ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसके अलावा ये जैक्सन मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ पर तो 50 से नीचे ये ट्रेडमिल आपको मिल ही नहीं सकती है। तो ये जो कंपनी है एक्टिव एक्टिव फिट हेल्दी, इनकी ये कंपनी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डाइट बेस्ड चीज़ें हैं, जो लोग डाइटिंग के साथ साथ अपना ख्याल रखना चाहते हैं। इस तरह से मैंने घर के इस फ्रंट एरिया में ही रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस मुझे बताइएगा फिर मैं इस मशीन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडमिल को, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी ज़िंदगी को, अपनी डाइट को मुनासिब रखिए और अच्छे से ज़िंदगी जिए। थोड़ी सी तो ज़िंदगी है, जीनी तो है, तो बेहतर है कि इंसान ढंग से, सलीके से और अच्छे से जी ले। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।